अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन की पत्नी से फोन पर की बात। केजरीवाल ने सोरेन परिवार को दिया अपना समर्थन। हेमंत सोरेन का क्या है मामला? अरविंद केजरीवाल भी है ईडी की रडार पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से फोन पर बात की है। केजरीवाल ने सोरेन परिवार को अपना समर्थन दिया है। जमीन पर अवैध कब्जा करने से संबंधित एक मामले में बीते 31 जनवरी को पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एक्साइज पॉलिसी के मामले में ईडी की रडार पर। ऐसे में उन्होंने ईडी की पूछताछ का सामने कर रहे हेमंत सोरेन के परिवार को अपना समर्थन जताया है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद प्रदेश में कई घंटों तक सियासी ड्रामे के बीच चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि पहले हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाए जाने पर चर्चा थी, लेकिन बाद में चंपई सोरेन को ही कुर्सी पर बैठाया गया। हेमंत सोरेन का क्या है मामला? बता दें कि बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन पर कब्जा के मामले को लेकर प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली स्थित उनके घर से 36 लाख रुपए भी बरामद हुए थे। ईडी ने इन रुपयों के अलावा व्यापारी विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप चैट में तथा कथित ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे की लेन देन से संबंधित मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। ईडी का आरोप है कि सोरेन ने अवैध तरीके से जमीन को अपने कब्जे में लिया था और उस पर बैंक्वेट हॉल बनाना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल भी हैं ईडी की रडार पर। उधर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले में ईडी ने केजरीवाल को कई समन भेजे हैं। समन पर पेश ना होने पर दी गई शिकायत के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार 17 फरवरी को सीएम अरविंद केजरीवाल पेश हुए। केजरीवाल इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सत्र के चलते व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने को लेकर छूट देने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने मान लिया। अदालत ने मामले की अगली तारीख 16 मार्च तय की है।